अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें जो मैंने पालक रमज़ान के लिए लगाए थे, अब वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। और इसकी सीड जब लगाई थी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जब ये बहुत छोटे छोटे से थे, तो आज ये देखें इतने बड़े बड़े हो गए हैं। आज मैं आई थी कि ख़ास कर इसकी मैं आप लोगों को बताऊं कि ये देखिए मैंने जो रमज़ान के लिए तैयार किए थे, अभी 15 दिन पहले ही माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं ये पालक। तो ये थर्मापोल का डिब्बा ये उठा के किचन के साथ रख लूँगी, और ये जो मिठाई की टोकरी थी बास्केट्स, उसमें मैंने पालक उगाए थे। ये देखें कितने माशाल्लाह हेल्दी हैं ये, और ये 1 मंथ से भी कम के हैं, लेकिन देखिए इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ है। और ये अभी ये भी मैं बाद में इनके बाद में ये तकरीबन 20 दिन के होंगे होगा ये पालक, ये टोकरी होगी। तो ये 20 दिन पहले मैंने इसको लगाए थे कि वो 15 दिन वो यूज़ कर लेंगे, 15 दिन बाद ये यूज़ कर लेंगे, 15 दिन के गैप से दोनों लगाई थी। तो ये मिंट है, ये भी इनके साथ ही मैं लगाई थी, और माशाल्लाह ये देखें कितने हेल्दी हैं। ये भी चटनी रायता वगैरह में यूज़ करने के लिए घर से इन दिनों में ना दुकान पे भी मिलते नहीं, और बच्चे तो बिल्कुल भी जाते नहीं हैं कि रोज़ा रख के तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। तो फिर मैंने इस बार ये किया कि किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं घर पर ही बना लूँ ये एक टोकरी या बास्केट बना के और किचन के साथ रख दूँगी। थोड़ी हल्की भी धूप लगेगी तो ये चलते रहेंगे, अब तो वैसे भी तेज़ धूप हो रही है तो इन्हें तेज़ धूप नहीं चाहिए, 1 घंटे की भी धूप इनके लिए काफ़ी होगा। और ये धनिया है, ये भी 15 दिनों तक और भी हेल्दी हो जाएंगे, और ये बड़ा थोड़े और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये देख के आप लोग भी चलो आइडियाज़ मिल जाते हैं कि इस तरह कर लेने में कितना फ़ायदा है हमें। तो इनमें लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आप भी लगा सकती हैं। ये आपके घर भी ऐसी टोकरियां पड़ी होंगी जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, इस तरह थर्मापोल के डिब्बे हैं, ये भी हम अक्सर फेंक देते हैं। पहले मैं भी फेंक दिया करती थी, लेकिन आस्ते आस्ते ये आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये टोकरी ये देखें, ये तकरीबन हर घर में सब्ज़ी फ्रूट ऐसी चीज़ें इनमें आती हैं, ये भी पड़े होते हैं हमारे घरों में जो हम फेंक देते हैं। अगर हम यूज़ करें तो देखें आपके सामने है, तो ऐसी टोकरियों में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा गोबर खाद आप मिक्स करके, और रेत वाली मिट्टी बालू मिट्टी नर्सरी से जो मिलती है वो लेकर, और थोड़े से पालक के सीड उसमें डाल दें, पानी टाइम टाइम से थोड़े से दिन में एक बार देते रहें, देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको शौक़ है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के मैं वीडियोस डालती रहूँगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे लिए वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।